हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन फेमस सांभर बड़ा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरी भीगी हुई उड़द की दाल ली है और एक कटोरी हमने चौलाई ली है भीगे हुए। ये दोनों चीजें हमारी इक्वल इक्वल है, तो दोनों को हमने 7 से 8 घंटे पहले भिगो दिया था और अब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे दोनों चीजों को मिक्स कर और बिल्कुल महीन पेस्ट इसका तैयार करेंगे। लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, हमें पानी इसमें नहीं डालना है और हमें बिल्कुल इसका एक महीन चिकना पेस्ट तैयार करना है। और राउंड हमें एक 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 राउंड लेकर बीच बीच में इसको देखते भी जाना है, क्योंकि दाल ऊपर आ जाती है उछलकर। तो ये हमारी पिस चुकी है और अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में और इसमें हम डालेंगे अपना 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे और जब तक इसको फेंटते रहेंगे कि जब तक ये हमारी फ्लफी ना हो जाए। कढ़ाई रख दी है हमने और इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल फ्राई करने के लिए। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए और अब हम करते हैं अपने बड़े की तैयारी। तो सबसे पहले उंगलियों को अपनी गीली कर लेंगे और उससे हम दाल लेंगे, इससे हमारी दाल उंगलियों पे चिपके ही नहीं। और थोड़ी थोड़ी दाल लेकर हम इसको छलनी पर बनाएंगे। तो छलनी को पहले आप तेल में डुबो लीजिए, उसके बाद इस पे बनाना तो चिपकेंगे नहीं। और अच्छी तरीके से इसे फैलाकर हम इसमें उंगली से बीच में एक होल बना देंगे इस तरह से। और इस बड़े को हम कढ़ाई में छोड़ेंगे बहुत आराम से। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें हम छोड़ देंगे और ये छलनी से छूटकर अपने आप नीचे तलने लगेगा। और दूसरा तरीका हम और बता देते हैं कि एक हैंकी ले लेते हैं और हैंकी को पानी में हम भिगो लेंगे और इसको फैला के इसके ऊपर हम अपने बड़े तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हैंकी पर हम पानी डाल लेंगे जिससे हमारे बड़े इस पे चिपके नहीं कपड़े पर। और उंगलियां गीली करके हम इसके ऊपर फिराएंगे थोड़ा सा ही और बीच में हम एक होल तैयार कर देंगे। ये होल बना दिया है और कपड़े को उठाकर उंगली पर हम अपना बड़ा ले लेंगे इस तरह से और धीरे से हम इसको तेल में छोड़ेंगे जिससे हमारे ऊपर छींटे ना पड़े तेल के। ये तरीका सबसे अच्छा लगता है। इसी तरीके से हम अपने सारे बड़े तैयार कर लेंगे और गैस हम अपनी मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इसको सेकने में 7 से 8 मिनट लगे हैं और हमारे बड़े तैयार हो गए हैं। और इतने पेस्ट में जो हमारे बड़े हैं, करीब 15 से 16 पेस्ट जो हमारे हैं बड़े तैयार हुए हैं। ये हमने और सेक लिए हैं तो हमारे 15 से 16 तैयार। तो अब करते हैं हम सांभर की तैयारी। हमारे बड़े तो बनी चुके हैं, इसके लिए हमने कुछ सब्जियां ली हैं जिसमें गाजर, खीरा और टमाटर लिया है। ये सब्जियां जल्दी पक जाएंगी। तो कुकर ले लेते हैं और उसमें डालेंगे हम अपनी सब्जियां। बड़े में काफी टाइम लगता है तो सब्जियां इस टाइप की लें जो आपकी जल्दी पक जाए। तो पानी डाल लिया हमने और 1 चम्मच हमने करीब इसमें नमक डाला है और 1/4 चम्मच करीब इसमें हल्दी डाली है और सांभर मसाला 2 चम्मच। आप कितना सांभर बना रहे हैं ये आपके ऊपर है, उसी हिसाब से आप इसमें डालिए। और अब हमने गैस पे रख दी है, 5 से 4-5 हम इसमें सीटी ले लेंगे। ये हमारी उबल गई है
और इसको अब हम मैश करेंगे अच्छे तरीके से कि हमारी सब्जियां दिखाई ना दे। इसमें डालेंगे हम इमली का पल्प और तड़का लगा लेते हैं। अब सांभर तो हमारा तैयार हो ही गया है, तो इसमें हमने डाली थोड़ी सी सरसों और 2 साबुत लाल मिर्च ले ली है। और थोड़ी सी लाल मिर्च सूखी और इसमें डाल देंगे। हमारा सांभर तैयार हो गया है। हमारा सांभर भी बहुत टेस्टी वाला तैयार हो गया है। और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो हम एक बर्तन ले रहे हैं और उसमें अपना गर्मा गर्म सांभर निकालेंगे और इसमें डाल देंगे हम अपने तैयार किए हुए बड़े। एक बात का ध्यान रखना है कि बड़ों को जब भीग जाएं उसके बाद ही आप खाएं। यदि आप पहले खाएंगे तो आपको बड़े अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि उसके अंदर सांभर नहीं जाएगा। तो हमारे टेस्टी सांभर तैयार हो चुके हैं और 5 मिनट के बाद आप इसे सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल शालिनी जैन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।